सो हाय गाइस, इफ यू कंपेयर इंडियन ई स्पोर्ट्स सर्वर विद अनदर, यू विल गेट अ मेजर स्पॉट। मतलब इतना बड़ा स्पॉट और इतना बड़ा डिफरेंस कि तुम कभी सोच भी नहीं सकते थे। बेसिकली तुम इंडियन सर्वर में ले लो, पाकिस्तान सर्वर में ले लो, इंडोनेशियन सर्वर में ले लो, जितने भी सर्वर है हमारे सबके ई स्पोर्ट को अगर तुम कंपेयर करोगे तो उनके बीच एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, वो होता है प्ले तरीका, मतलब खेलने का स्टाइल, प्ले स्टाइल जिसको तुम एक तरीके से बोल सकते हो। हालांकि ई स्पोर्ट में तो स्किल्स और एक्सपीरियंस मैटर करता है, बट हाँ, प्ले स्टाइल सबसे बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। जैसा कि तुम्हारा सपोर्टर मेजर रोल प्ले करता है एक स्क्वाड के अंदर, वैसे ही तुम्हारे पूरे गेम के अंदर एक सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, वो होता है तुम्हारा खेलने का तरीका और प्ले स्टाइल। आपका खेलने का तरीका कैसा होना चाहिए और कौन कौन से तरीके के प्ले स्टाइल होते हैं, वो सारी चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली इस वीडियो में हम फिलहाल यही करेंगे और थोड़ी सी वीडियो डिले हो सकती है, लंबी हो सकती है, उसको थोड़ा एडजस्ट कर लेना, 1.25x पे देख लेना जैसा तुम्हें सही लगेगा। तो आज के वीडियो को चलो स्टार्ट करते हैं। आपको हम एक चीज रिकमेंड करना चाहते हैं, वो है कि बहुत सारे प्लेयर ऐसा करते हैं कॉपी कर लेते हैं। मतलब समझो मेरी बातों को, इफ माफियाज विनिंग देन द ड्रॉप पॉइंट से लेकर के फाइटिंग लेने का तरीके तक सब कुछ कॉपी कर लेते हैं। अगर हिंट टॉप पे चल रही तो उसकी चीजें की सारी मतलब चीजें कॉपी कर लेंगे और अपने ऊपर एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि हम कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। देन एक चीज समझो तुम, अगर कॉपी करने से सब कुछ हो जाता तो आज जितनी भी टीम खेल रही ना अंडरडॉग के नाम से, वो सारी की सारी चैंपियन टीम होती। क्योंकि देखो सारी की सारी टीम अगर टॉप पे जा रही है, बेसिकली कुछ टीम टॉप पे जाती है तो सारी की सारी अंडरडॉग टीम्स को फॉलो करना स्टार्ट कर देती है इंस्पिरेशन मान करके। बट ऑलवेज रिमेंबर एवरी टीम हैज देयर ओन प्ले स्टाइल। देखो वैसे तो प्ले स्टाइल मल्टीपल टाइप्स के होते हैं, बट हाँ एक चीज तुम्हें हमेशा याद रखनी है, वो ये है कि देखो प्ले स्टाइल एक ऐसी चीज है जो तुम्हें बहुत ऊपर ले जा सकती है और बहुत नीचे भी गिरा सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक टीम खेल रही है, एक एक्स टीम खेल रही है, उसका प्लेइंग स्टाइल अग्रेसिव मूड है, तो लेकिन जब वो लोग अग्रेसिव को छोड़कर डिफेंसिव गेम खेलना स्टार्ट कर देते हैं, हाइप्ड गेम खेलना स्टार्ट कर देते हैं, तो घंटा एकदम लिटरली हगते हैं वो। देखो ऐसा क्यों होता है, देखो जिसका माइंड सेट जैसा बन जाता है वो इंसान उसी पे वर्क करना स्टार्ट कर देता है। अगर तुम्हारी पर्सनलिटी तुम्हारी अग्रेसिव मूड की है तो तुम अपना जो बात करने का तरीका, अपनी बॉडी लैंग्वेज, तुम अपना अग्रेसिव रखोगे, ऐसा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल तुम अच्छा एग्जांपल चमेनी स्पोर्ट्स को ले सकते हो, और अगर पहले टाइम की बात करो तो भाई टीम एलीट एकदम प्रॉपर एग्जांपल। अब वो कौन कौन सी चीजें होती हैं जो प्ले स्टाइल के अंदर आती हैं? बेसिकली बहुत सारी चीजें वैसे तो आती है, बट हाँ कुछ मेजर चीजों को ध्यान रखना पड़ता है, वो होती है लैंडिंग, रोटेशन और फाइट लेने का तरीका। देखो अर्ली फाइट लेना है या लेट फाइट लेना है, ब्रूटल गेम प्ले करना है या डिफेंसिव गेम प्ले करना है, अग्रेसिव मूड में रहना है या तुमको हाइप्ड गेम खेलना है, ये सारी चीजें प्ले स्टाइल के अंतर्गत आती है। देखो यहाँ पर वी आर गोइंग फॉर मेजर वंस। देखो इंडियन स्टाइल में क्या होता है, इंडियन प्ले स्टाइल में, फिर इंडियन मेटा की बात करें तो यहाँ पर सबसे फेमस और सबसे ज्यादा पावरफुल प्ले स्टाइल है वो है अग्रेसिव। बट इफ यू गो फॉर अदर सर्वर देन वहाँ पर तुम्हें ब्रूटल और वहाँ पर तुम्हें डिफेंसिव गेम प्ले खेलने को मतलब ज्यादा मिल जाएगा। कहने का मतलब वो है वहाँ स्ट्रेटेजिक डिफेंसिव गेम प्ले खेला जाता है, अग्रेसिव मूड में हमेशा प्लेयर नहीं रहते हैं और एक प्लेयर नहीं सारी की सारी स्क्वाड्स होती हैं वो डिफेंसिव गेम प्ले खेलना प्रेफर करती हैं। एक एक कंपाउंड में तीन तीन चार चार टीम्स होल्ड करती हैं। वैसे अगर बात बोलूं तो सबसे बड़ा चूतिया इंडियन सर्वर में सिर्फ यही हो रहा है, हो रहा है कि तुम ना अच्छे से खेल पा रहे हो, तुम अच्छे से खुद को रिप्रेजेंट कर पा रहे हो, बस तुमको गेम खेलना है वो भी अग्रेसिव मूड में। भाई इनको जोन होल्डिंग नहीं पता है, आज के प्लेयर्स को जोन रोटेशन कुछ नहीं पता है कैसे क्या होता है। अगर आज की टीम को तुम लेकर के चलोगे हाँ ठीक है तुम विन कर रहे हो, लेकिन तुम्हें जब जोन होल्डिंग ही नहीं पता क्या होता है, तुम्हें रोटेशन ही नहीं पता क्या होता है, तो तुम कैसे खेल पाओगे? इन सब लोग को एक अग्रेसिव मोड में खेलना है, रश करना है, सबको मारना है, इनका गेम प्ले और इनका माइंडसेट कुछ ऐसा होता है। तो अगर आप ये माइंडसेट लेकर के एफएफआईसी में जाते हो या ऑफिशियल इवेंट खेलने जाते हो तो लिटरली बता रहा हूं तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, जब तक तुम्हारा फायर पावर तुम्हारा कोऑर्डिनेशन एकदम नेक्स्ट लेवल का नहीं है। तो अगर नेक्स्ट लेवल का है तब तो तुम ये सब चीजें अपने आप को ऊपर अप्लाई कर सकते हो, बट अगर नहीं है, थोड़ी सी भी उसमें कमी आ रही 0.1% की भी, तो तुमको इतना हगता देखना मिलेगा, मतलब तुम इतना एकदम डाउनफॉल खुद को देख पाओगे एफएफआईसी के अंदर कि तुम सोच भी नहीं सकते। देखो अग्रेसिव प्लेस्टाइल में होता यह है कि प्लेयर क्या करता है, एक पूरी स्क्वाड क्या करती है, वो ड्रॉप लेती है और एक ड्रॉप लेने के साथ साथ अगर उसका क्लैश होता है तो पहली बात तो क्लैश को संभालती है, उसके बाद वो अपने एरिया से बंदे को क्लियर करते हुए चलती है और जोन में होल्ड नहीं करती है। देखो सबसे बड़ी इसमें मेजर चीज यही होती है कि कभी भी टीम मतलब ये जो हमारी ब्रूटल टाइप की टीम होती है कभी भी जोन में होल्ड नहीं करती है, अग्रेसिव टीम जोन में होल्ड बिल्कुल नहीं करती है, वो एक अपनी जगह से दूसरी जगह जाती है और वहां पर सारे के सारे बंदों को एलिमिनेट करते हुए न्यूट्रलाइज करते हुए चलती है। अगर मार दिया तो कॉन्फिडेंस, नहीं मार दिया तो भाई बात खत्म। और माइंडसेट कौन सा, अगर मर भी गए तो कौन सा ऑफिशियल खेल रहे हम लोग, यहां तक तो ठीक है, लेकिन इन्हें लास्ट जोन में भी होल्ड करना नहीं आता, ये वहां पर भी फाइट लेते रहते हैं पूरी तरीके से और कोशिश करते हैं कि जितने किल्स निकाल पाए। एक चीज हमेशा याद रखना, यहाँ पर तुम्हारा प्रॉफिट तो बहुत है लेकिन तुम्हारे पास ड्रॉबैक्स भी बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे, वो सब तुम्हें बाद में बताऊंगा, लेकिन सबसे बड़ी चीज है तुम याद रखो ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनका फायर पावर एकदम नेक्स्ट लेवल का है, मतलब समझ रहे एकदम प्लस प्लस पॉइंट में है और बिल्कुल दिक्कत नहीं आ रही, कोऑर्डिनेशन में भी कोई दिक्कत नहीं आ रही, ये स्ट्रेटजी वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। इफ यू टॉक अबाउट सेकंड वन देन इट शुड बी द होल्डिंग गेम प्ले और डिफेंसिव गेम प्ले, तुम कह सकते हो एक तरीके से। मोस्टली प्ले स्टाइल में होता क्या, बेसिकली जो क्लैश फाइट होती है वो सारी अवॉइड करते हैं ये लोग, लेकिन हाँ अगर बाई मिस्टेक हो जाती है तो ये लोग कोशिश करते हैं कि एलिमिनेट करें और जल्दी से जल्दी हो सके तो लूट करें, उसकी बात क्या करें ये अपना सेंटर पकड़े, कोई कंपाउंड पकड़े, कोई एरिया पकड़े जो मिडिल जोन के अंदर आ सकता है। देखो इनका माइंडसेट अग्रेसिव तो है नहीं तो इन्हें किल्स मिलने के चांसेस कम होते हैं, इसलिए ये लोग हमेशा सेंटर या फिर ये लोग एजेस पर प्रेफर करते हैं, वो क्यों करते हैं, जहां पर ये लोग होल्ड कर पाए। लेकिन कभी कभी क्या होता है इनका सेकंड माइंडसेट वर्क करता है, वो ये होता है कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ सेंटर जोन ये लोग प्रेफर करते हैं कि हम लोग हाँ कॉर्नर्स पे प्रेफर करें, मतलब हम एजेस पे जाकर होल्ड करें। वो इसलिए करते हैं क्योंकि जो हमारी अग्रेसिव टीम होती है वो कभी भी जोन के अंदर नहीं आती, वो हमेशा फाइट लेने की कोशिश करती है और हमेशा एलिमिनेट करते हुए एरिया को चलती है, लेकिन हाँ एट द एंड जब उसको जोन के अंदर आना होता है तो वो लोग आ रहे जब होते हैं तो ये लोग उसका
गेट कीप करते हैं, और गेट कीप करने के साथ साथ जो अग्रेसिव टीम होती है उसको एलिमिनेट करने के फुल चांसेस इनके पास होते हैं। अब वो चाहे तुम हाइट में ले लो या किसी भी चीज में ले लो, पहली बात तो इनको जोन का डैमेज लग रहा होता है अग्रेसिव टीम को, और यहाँ पर जो हमारी डिफेंसिव टीम खेल रही होती है वो कोशिश करती है कि सामने वाले पूरे बंदे को एलिमिनेट कर सके। एग्जांपल की बात करो तो यहाँ पर तुम केमिन और माफिया को ले सकते हो, मतलब उनका एक तरीके से प्ले स्टाइल कह सकते हो, बट हाँ एक चीज हमेशा याद रखो, दे आर वेरी रिलायबल टू देयर प्ले स्टाइल, मतलब वो लोग एकदम अलग तरीके से प्लेयर है, स्विच कर सकते हैं खुद को। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, वो ये है कि देखो हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, इनके पास स्किल बहुत कम होते हैं और पोजीशन टॉप होती है, मतलब लेस स्किल निकाल पाते, बट हाँ टॉप ऑफ पोजीशन ये लोग एक्वायर कर लेते हैं। अब इंडियन मेटा का क्या है, यहाँ पर सबको अग्रेसिव गेम खेलना है, बट इफ यू टॉक अबाउट वर्ल्ड वाइड गेम, देखो वहां पर क्या करती है मोस्ट ऑफ द टीम होल्ड करती है, उनको होल्ड करना आता है, उनको स्ट्रेटेजिक गेम प्ले करना आता है, पूरा रोटेशन लेना, पूरा होल्ड करना, पूरा फायर पावर देना, मतलब कैसे चीजों को हैंडल करते हैं वो सारी चीजें एग्जीक्यूट करते हैं वो लोग। यहाँ पर किल्स तो कम निकलते हैं, लेकिन अगर तुम जोन होल्ड कर रहे हो तो वहां पर जो सामने वाली टीम तुम्हारे पास आती है तो तुम वहां से किल अपने निकाल सकते हो। प्लस साथ साथ क्या होता है, जब हमारी लास्ट जोन में फाइट हो रही होती है तो वहां पर तुम जोन होल्ड करके रखते हो, प्लस अगर दो टीम की फाइट हो रही है तो वहां पर तुम्हारा थर्ड पार्टी लेने का चांस ज्यादा बढ़ जाता है, मतलब तुम्हारा होने का नहीं तुम्हारा लेने का, थर्ड पार्टी तुम कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द टीम्स क्या करती है, ये प्ले स्टाइल ऑफिशियल के लिए एग्जीक्यूट करती है और ऑफिशियल में ही यूज करती है, तो ये प्ले स्टाइल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अभी तुमको एक बार बताता हूँ अपना प्ले स्टाइल तुम कैसे सेलेक्ट करो, वो चीजें कैसे एग्जीक्यूट करो खुद के अंदर, तुम्हारे लिए कौन सा बेस्ट होता है, वो सब चीजें तुम ध्यान से समझो क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखो एक चीज हमेशा याद रखो, डोंट कॉपी अदर्स प्ले स्टाइल, नेवर फॉलो अदर्स एजेंडा, मतलब कभी नहीं। आपकी टीम आपके स्क्वाड मेट्स किस पर रिलाई करते हैं, किस पर कंफर्ट होते हैं, आप उस चीज को फोकस करो और उस चीज को बेटर बनाने की कोशिश करो। ये पॉइंट की ट्राई एवरी प्ले स्टाइल यू नो, मतलब तुम्हें जितने भी तरीके से खेलना आता है तुम वो सारी चीजों को ट्राई करने की कोशिश करो, एग्जीक्यूट करने की कोशिश करो, शायद प्रैक्टिस मैच में कोशिश करो कि हाँ तुम कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, कहां तक जा रहे हो। एंड वन मोर थिंग, इफ यू आर प्लेइंग अ रश गेम देन गो फॉर हाइब्ड गेम प्ले, अगर तुम रश खेल रहे थे तो आप कोशिश करो तुम हाइब्ड खेलने की, और कोशिश करो तुम अपना गेम प्ले पूरा एकदम अपोजिट कर दो, डिफेंसिव कर दो, देखो तुम कहां तक की जा रहे हो और कितना टाइम यूटिलाइज कर पा रहे हो। वो हर एक मूव जो तुमने हाईलाइट से देखा है, वो हर एक मूव जो तुमने सिखा है मुझसे या फिर किसी भी क्रिएटर से, वो तुम हर एक चीजों को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करो और देखो तुम कहां पर कितना कर पा रहे हो और कितना तुम वहां से सीखे हो। सबसे बड़ी बात, वो सारी चीजों को सीखा हुआ जो तुमने सिखा है उसका आउटकम क्या निकल रहा है, ये सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है कि उसको चेक करो। देखो एट फर्स्ट तुम एलिमिनेट हो सकते हो, चांसेस बहुत ज्यादा है, बट ट्राई टू बी कंसिस्टेंट, मतलब उस पर फोकस करो और देखो हाँ कि मिस्टेक जो हो रही है वहां से सीखो और सारी की सारी चीजों को देखो अच्छे से परखो। तुम अगर चार बार एलिमिनेट हो रहे हो तो तुम्हारे हर एलिमिनेशन से कहां पर मिस्टेक हो रही है, कहां कहां पे तुमने गलत तरीके से यूज किया है अपनी स्ट्रेटेजी, उसको फोकस करो और उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करो वो मिस्टेक को पार्टिकुलर। एक चीज बताऊं, एग्रेसिव के लिए हमेशा प्रॉपर रोटेशन की जरूरत पड़ती है, प्रॉपर रोटेशन और ओवर पावर फायर पावर के साथ साथ तुमको एकदम जोन होल्डिंग भी अच्छे से आती हो थोड़ी बहुत। वैसे तो उसमें जोन होल्डिंग का कोई काम नहीं है, बट हाँ अगर तुम्हें आती होगी तो हमारे पास पॉजिटिव पॉइंट मिल सकते हैं। इन सब चीजों पे आपको बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। देखो अगर आप शिपयार्ड उतरते हो तो वहां से तुम्हें रोटेशन लेके स्ट्रेटेजी वाइज अपने एक एरिया पे जाना पड़ेगा, शायद तुम ग्रेवयार्ड पे चले जाओ या बुलजाई पे चले जाओ, वहां पे तुम रोटेशन लेके बंदूक को खत्म करो, तुम तुरंत बैकअप लो। अगर तुम ग्रेवयार्ड गए थे तो तुम आपके पास बुलजाई चले जाओ, एनिमी को फिनिश करो, न्यूट्रलाइज करो, उसके बाद तुम अपनी एक अलग स्ट्रेटेजी बनाओ, फिर उसके हिसाब से तुम जहां पर रिलाई कर रहे हो अभी यहां पर तुम स्टे कर रहे हो उसके साथ आसपास जो एरिया है वहां पर चले जाओ। कहने का मेरा मतलब है कि कभी भी उस एरिया पे होल्ड मत करो एक सेकंड भी, कहीं भी चले जाओ, ग्रेवयार्ड चले जाओ, ऑब्जर्वेटरी चले जाओ, कॉटेज स्टुआ चले जाओ। और हाँ इस स्ट्रेटजी के अंदर अगर तुम ये सब चीजें फॉलो करते हो और अगर तुम रश करके मार रहे हो बंदों को, अग्रेसिव मोड में खेल रहे हो, तो तुम्हारे चांसेस बहुत ज्यादा है कि आपकी थर्ड पार्टी हो सकती है और आप एलिमिनेट किए जा सकते हो इन द मिड ऑफ गेम, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो इससे बचने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, रैपिड फायर प्रेफर करना पड़ेगा। अब ये क्या होता है इसके लिए सेपरेट वीडियो ला दूंगा, बट हाँ कोशिश करना कि तुम खुद समझ जाओ रैपिड फायर होता क्या है। एज अ नेम सजेस्ट कि जैसे बंदा मारता है तुम्हें, जैसे फायर आता है सामने से, फिर तुम फायर करते हो, कोशिश करो विद इन अ सेकंड, देखो सेकंड तो नहीं बोल सकते क्योंकि तुम मशीन तो होनी बेसिकली, विद इन अ मिनट तुम बंदों को खत्म करो वहां से निकलो। सबसे बड़ा मेजर पॉइंट, लूटो कम, जितना कम हो सके उतना कम लूटो, क्योंकि तुम्हारी टीम एग्रेसिव टीम है और तुम जहां भी मारोगे वहां पर तुमको थोड़ी बहुत लूट मिलेगी, इससे तुम खुद को कोशिश करने की, मतलब खुद को कवर करने की कोशिश करो। वर्ल्ड वाइड खेलने नहीं जा रहे हो, तुमको इतने लूट की कोई जरूरत नहीं, इतनी स्किल तुम्हारे पास भी होनी चाहिए। अगर सामने वाले बंदे के पास MP40 और तुम हल्का सा लॉन्ग में हो, ज्यादा नहीं मिड लॉन्ग रेंज में हो, तुम्हारे पास कार है तो तुम उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करो। कुल मिला के लूटो को माइग्रेट फ्रॉम वन एरिया टू अनदर अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेटजी, होल्ड कभी नहीं करना है। अब पहले क्या करो, एक प्ले स्टाइल पे वर्क करो, अपना फायर पावर अच्छा करो, अपना कोऑर्डिनेशन बढ़िया करो। अगर एक अच्छे से रिलायबल हो जाओ, एक पे अच्छे से होल्ड कर पाओ तुम, फिर दूसरी प्ले स्टाइल को भी यूज करना स्टार्ट कर दो। जैसे कि अग्रेसिव खेल रहे थे तो तुम डिफेंसिव भी सीख जाओ। एंड वन मोर थिंग टू ऐड इन योर स्ट्रेटजीज, होल्डिंग गेम प्ले ऑलवेज प्रेफर, मतलब हमेशा प्रेफर करो कि होल्डिंग गेम प्ले खेलने की कोशिश करो, स्ट्रेटजी को न्यूट्रलाइज यूटिलाइज करने की कोशिश करो, ताकि बंदों को तुम अच्छे से न्यूट्रलाइज कर पाओ। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही, मतलब सीखने को तो बहुत कुछ मिला होगा, अगर तुम नए होगे तो सब्सक्राइब कर लेना, अगर हाँ तुम्हें थोड़ा कुछ सीखने को मिला होगा तो वीडियो को शेयर कर देना यार। तो आज के वीडियो में इतना ही, तब तक जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।